अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारी जो रेसिपी है वो मैं बना रही हूँ स्मोकी योगर्ट कढ़ाई। ये एक न्यू डिश है और आपको ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप नोट कर लें। आधा किलो चिकन है, पेपरिका पाउडर है। ये मसाला हम तैयार करेंगे भून के पीस के। इसमें है साबुत गोल मिर्चें, दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें, ज़ीरा और साबुत धनिया, दही है, नमक है, पीसी हुई टमाटर है, तली हुई प्याज है, लहसुन अदरक है और हल्दी है। चिकन का हम मसाला रेडी करेंगे। इस सारे खुश मसालों को हम हल्का सा भून लेंगे। ये हमने मसाले खुश जो थे वो भून लिया था। अब इसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। ये हमारा मसाला तैयार हो गया। अब इसके बाद हम चिकन का दूसरा मसाला पीसेंगे। इसमें तली हुई प्याज है और लहसुन अदरक। जी, हमारा दूसरा मसाला भी रेडी हो गया है। आधा किलो चिकन ली है हमने। अब इसमें सारे स्पाइसेस हम ऐड करेंगे। प्याज का जो मसाला था वो ऐड करेंगे इसमें। टमाटरों का पेस्ट ऐड करेंगे। दही ऐड करेंगे इसमें आधी प्याली। हल्दी ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच। ये जो मसाला हमने बना के रखा था खुश्क मसाला, ये हम ऐड कर देंगे इसमें। एक बड़ा चम्मच पेपरिका पाउडर का और नमक हसब ज़ायके। अब इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। हमारा ऑयल गर्म हो रहा है कढ़ाई में। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप आधे घंटे के लिए रख दें इसको। जी व्यूअर्स, हमारी चिकन मैरिनेट हो गई है। इसको आधे घंटे के लिए हमने रख दिया था। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपनी चिकन ऐड करेंगे। चिकन को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे और फिर इसको ढक देंगे, कवर कर देंगे। चिकन हमारे मसाला जो है वो फ्राई हो गया है। अब हम इसको हल्की आंच पे ढक के रख देंगे दम पे। जी व्यूअर्स, हमारी ये चिकन जो है रेडी हो चुकी है। इसका पानी भी खुश्क हो गया है। हम इसको निकाल के सर्व करेंगे। अब हम इसके ऊपर अपनी दही डालेंगे। हरा धनिया, हरी मिर्चें, इसके बाद इसमें कोयले रख के इसको स्टीम दे दें। हमारी स्मोकी चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है।
उम्मीद है आपको ज़रूर ये रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज़।